दूसरी बार मोहम्मद जैफर दे आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज काफ़ी अर्से के बाद मतलब कि ना मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। लास्ट टाइम तो समी ने बनाया था ब्लॉग जो था उसकी फेयरवेल पार्टी का, तो आप लोग भी कहेंगे कि यार लॉन्ग टाइम नो सी। तो उसका मैंने ब्लॉग देखा था यार माशाल्लाह, उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉग बनाया था, फर्स्ट ब्लॉग था मेरे से भी उसने ना अच्छा ब्लॉग बनाया था। तो अभी यह है कि हफ्ते के बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी, हफ्ते तकरीबन हमारी ऑनलाइन क्लास थी और अभी आज ऑन कैंपस क्लासेस हैं एक हफ्ते के बाद। तो आज सारा गैंग शैंग हमारा रीयूनाइट होगा। तो यह कि अभी यूनिवर्सिटी हम जा रहे थे, रेडी शेडी में हो गया था, आज हमारी प्रेजेंटेशन भी है या एक ही, तो रात उसी को बैठ के बनाता रहा था। बड़ा टाइम लगा था यार प्रेजेंटेशन बनाने में, क्योंकि ना इधर से कभी इकट्ठा करो मटेरियल, कभी इधर से करो इकट्ठा। तो और उसके अलावा लुक शुक भी देखें जरा, ज़रा चेंज हो गई है, रमज़ान आ रहा है तो मैंने कह रहा था दाढ़ी शाढ़ी रख लेते हैं महीने छीने के लिए। और ये कैसे लग रही है दाढ़ी शाढ़ी बताइएगा ज़रा आप यार कॉमेंट्स के अंदर। मुझे तो कोई थोड़ा बहुत ना बेहतर लग रहा है, अपना चेहरा भरा भरा सा लग रहा है। तो अभी यह है कि यूनिवर्सिटी जा रहे थे, वहाँ पे चलते हैं यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके फिर दो ही क्लासेज हैं आज ऐसे भी, तो वहाँ पे दो क्लासेज लेते हैं, फिर अगर शुगर मेल आपको वहाँ पे दिखाएंगे। अभी जल्दी से निकलते हैं यूनिवर्सिटी इधर। 2000 years later tomorrow। तो यार गुड मॉर्निंग और नेक्स्ट डे में आपका वेलकम करते हैं। अभी ये था कि यार रात को ना कोई बहुत हैवी किस्म का ना जलजला आया था, अस्तग़फ़िरुल्लाह माफ़ करे, तकरीबन कोई आया था 7.7 का ना। वैसे अर्ली जो बता रहे थे वो 7.7 का, कुछ 6.8 का भी बता रहे थे। तो जो मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज आया था ना वो मैं यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ना, उसके ऊपर उन्होंने बताया था कि 7.7 है और ये जो है ना यहाँ पर अफगानिस्तान और ये तुर्कमानिस्तान वगैरह साइड। तो यार ये था ना कि सारे मतलब कि ना डर गए थे और ना घरों से सारे बाहर निकल गए थे अल्लाह ताला का विरद करते हुए ना। तो हम तो इतनी बैठे हुए थे साथ ही, क्यों मैं नमाज़ पढ़ रहा था ईशा की, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से मैं तकरीबन लेट आया था। ये तकरीबन कोई टाइम होगा ये समी 9:47 का ना, 9:47 इसी तरह का टाइम था ना। तो घर वाले इधर बैठे थे, नमाज मैंने पढ़ी तो मुझे फील हुआ ना हल्का ज़मीन हिली, फिर मैं आया हूँ जल्दी से भाग के ना इधर पीछे, मामा लोग इधर पीछे बैठे हुए थे। तो पहले तो हल्का आया था लेकिन बाद में जब मैं इधर खड़ा हुआ ना तो यार आप यकीन नहीं करेंगे, इतना कुछ ज़ोर से आया ना कि मैं फुल यूँ कांपा हूँ एक दफ़ा। और मैंने फिर ये साथ जो पिलर आपको पीछे से नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने जल्दी से पकड़ा कि मैं गिर ना जाऊँ। तो ये था कि यार अल्लाह ताला, इसका यही मतलब होता है, हमने तो सुना है कि यार अल्लाह ताला नाराज़ है हम लोगों से जब गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला एक दफ़ा ना ज़मीन को हिलाते हैं कि यार काश ये बंदे ना मेरी तरफ़ आ जाए। तो अभी यार आप लोगों को ऐसे भी पता है कि यार कि ना इस तरह ये जिनाकारी, बदकारी, चोरी चकारी और ये जुल्म वगैरह और ये सारे मतलब गुनाह गाने बजाने आम हो गए, तो इसकी वजह से ना अल्लाह ताला का अज़ाब मतलब कि इस तरह आता है, तो अल्लाह ताला एक दफ़ा ज़मीन को झिंझोड़ते हैं। तो यार हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ हमारा और किसी का भी नहीं हुआ। बाकायदा वो बता रहे थे कि यहाँ पर सवात और मालाकंड वाली साइड पर ना कोई गिरा थे, वहाँ पर क्या कहते हैं मकान वगैरह गिरे थे, तो वो बेचारे कोई फौत हो गए थे लोग, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शो मगफरत फरमाए। तो ये था कि यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, जिक्र किया करें, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं एज़ अ फ्रेंड्स सिस्टर और ब्रदर, आप लोगों को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप लोग नमाज़ पढ़ा करें पाँच वक्त की, अल्लाह ताला को याद किया करें और इसी तरह मतलब कि ना बस अल्लाह ताला की याद में रह करें। कोई पता नहीं होता बंदा किस टाइम बंदा ना गिर जाए और वो अल्लाह ताला को प्यारा हो जाए। तो इससे पहले कि हमारे से टाइम गुजर जाए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत अपनी किया करें और अपना ख्याल रखा करें। 3 hours later फिर भी देरी नहीं करी यार, अभी ना हमारी होने वाली प्रेजेंटेशन ठीक है। और ये फिलहाल साहब बैठा हुआ है, ये बड़ा परेशान बैठा हुआ है, साथ ये बैठा हुआ है जी, आइए रे फुल परेशान बैठा हुआ है, अभी ऐसे ही थम्स अप कर रहे हैं, इसको प्रेजेंटेशन ये आती नहीं बिल्कुल, साहब फोन बैठा हुआ है। हाँ ठीक है, अच्छा तो अभी प्रेजेंटेशन उन लोगों ने देनी है और बाकी फिर बाहर चलते हैं यार, कुछ खाना वगैरह खाते हैं अगर टाइम मिला तो, वरना तो निकलेंगे खाना, वरना ये इसको छोड़ना है कराची कंपनी छोड़ना था। 50 रुपए हाँ कराची कंपनी छोड़ना था, चिप्स खिलाएगा बिल्कुल। 2 hours later क्लासेस ख़त्म हो गई यार, अभी अभी घर जा रहे हैं, अब ये देखे रात हो चुकी है बिल्कुल, ये देखे यार अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, सारे दोस्त चले गए, मेरी लास्ट एक क्लास रहती थी अभी, ये देखे फुल अंधेरा हो गया, 7:30 बजे का टाइम है और आज शायद पहली तरावी भी है इंशाल्लाह, और ये जा रहे भी हम घर की तरफ, अब आपको घर जाके इंशाल्लाह मिलते हैं। 2000 years later तो यार घर में पहुंच गया था और तकरीबन लेट ही पहुंचा था,
8:45 हो रहे थे, और यह कि भी मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई है कि मैंने आँखें खुली नहीं थी, और ऊपर से वो मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया जी कल पहला रोज़ा है। तो यार कब से हम बैठे हुए थे भाई, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आया चांद, पता नहीं इनको कहाँ से चांद नज़र आ गया। आज बादल भी ऐसे थे, मतलब अबर आलू था ठीक है, ना बांग्लादेश में नज़र आया चांद, ना इंडिया में नज़र आया, कहीं पर भी इन्हें नज़र नहीं आया। इनको पता नहीं कहाँ से मर्दान पेशावर सवाबी वगैरह से नज़र आ गया चांद। तो अभी भाई ये 4-5 शहरों से नज़र आया, अभी इन लोगों ने बोला कि कल रोज़ है ठीक है। मैं तो अभी सोने के लिए जा रहा था, मेरी हालत बिल्कुल टाइट थी, और समी तो इधर अभी लेट भी गया, अहमद भी लेट गया। अभी यह है कि यार वजू करते हैं और तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी 3 वितर तो ऐसी भी पढ़नी है हमने, है ना, 3 वितर पढ़नी है। अब दोबारा पढ़ना दोबारा हमें तरावी पढ़नी पड़ेगी। यार दिल वाकई में मेरा नहीं कर रहा था, क्योंकि ना मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई है, नहीं मेरी आँखें बड़ी मुश्किलों से मैंने खोली हुई है। तो अभी तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं, और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की पहली तरावी मुबारक हो, और कल का रोज़ा भी मुबारक हो। चलो कोई बात नहीं यार, कल ऐसे भी बाबरकत दिन है। समी कल क्या है, वेनसडे है ना, और थर्सडे है ना, कल थर्सडे है, चलो जुमेरात का रोज़ा हो जाएगा यार, कोई नहीं। तो अभी तरावी पढ़ने के लिए चलते हैं, और फिर तरावी पढ़ के आते हैं, सोते हैं, कि सुबह सहरी भी हमने करनी है। अभी पता नहीं यार क्या सिस्टम है, कोई समझ नहीं आ रही मौलवियों ने क्या किया है। 2 hours later तो यार अभी मैं सोने के लिए जा रहा था ठीक है, और बिल्कुल भी मेरी हालत नहीं है उठने वाली। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह यार इंटरेस्टिंग किस्म के व्लॉग आएंगे रमज़ान के हमारे इंशाल्लाह। तो यह है कि फ़र्स्ट सहरी का हम व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे फ़र्स्ट सहरी का बनाएंगे, और इसी तरह के आगे कंटिन्यूसली ना व्लॉग अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो आप लोग यार सपोर्ट दिखाते रहिए करें। देखिए हमारे माशाल्लाह से 255 सब्सक्राइबर हो गए हैं, कंग्रेचुलेशंस यार बहुत ज़्यादा हमें भी और आप लोगों को भी जिन्होंने सब्सक्राइब किया। तो जल्दी से करें यार 300, उसके बाद हमने 500 करने हैं, 1000 करने हैं। तो इस साल हमने हमारा गोल है कि 1000 हमें सब्सक्राइबर करने हैं। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आप सबको दोबारा एक दफ़ा कहूँगा रमज़ान आप लोगों को मुबारक हो यार, मुफ्तियों की वजह से अब इन लोगों ने पता नहीं किस तरह का ऐलान किया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में।